ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी अभी हुई हो। फ्रेंड देखिए कितना प्यारा सीन है, कैलाश जी का जो पर्वत है यहाँ पे झरने में सोने सी चमकती। फ्रेंड्स ये दीवारें देखिए, मंदिर काफी अद्भुत है। आपको ऐसा लगेगा कश्मीर में किसी बर्फ में घूम रहे हम, तो आपको एकदम सीन दिखाता हूँ, चलो सरप्राइज आपके सामने। गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम आपको कम बजट में चार धाम की यात्रा करवाने वाले हैं और आज इस वीडियो में आपको राजस्थान का एकमात्र बर्फ का पहाड़ दिखाने वाले हैं। तो आज हम जो जा रहे हैं वो जगह है सिवाड़ और वहां पे महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग था। तो आपको आशा करते हैं वीडियो को पूरा देखना, काफी ज्यादा मजा आएगा आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बरवाड़ा। बरवाड़ा में एक खास चीज़ आपको बता दूं फ्रेंड, जो आपको मंदिर दिख रहा है पहाड़ी के ऊपर देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जो चौथ माता का मंदिर है। अगर आपको ये मंदिर देखना है तो इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं आई बटन पर उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। और यहां पे एक 5-स्टार होटल बन रही है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी विशाल एक पहाड़ी पर बनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखना, मैं आशा करता हूँ आप इसको एंजॉय करोगे। तो फ्रेंड्स अभी हम रास्ते में हैं और यहाँ पे आपको जो है नदी दिख रही है ये बनास नदी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है, जब हम पिछले टाइम पे आए थे बारिश के टाइम पे तो ये पानी यहाँ से ऊपर होके जा रहा था। आपको वो सीन देखना है तो हमारा एक बरवाड़ा वाला वीडियो चौथ माता का, वहाँ पे वो सीन देख सकते हैं कि पानी कितना ऊपर तक था। तो अभी देखिए पानी काफ़ी सूख चुका है, यहाँ पे बजरी बजरी दिख रही है, इधर पानी भरा है और ये बजरी बजरी हो चुकी है। तो अभी चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर आपको एक किला दिख रहा होगा। तो हमारे राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, किले ही किले हर जगह। तो आप देख सकते हैं किला ये भी है, लेकिन अभी आज हम आपको ये वीडियो में ये किला नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं दूसरी जगह सिवाड़। तो वहीं का आपको दिखाएंगे, ऐसी जगह आपने देखी नहीं होगी, बहुत ही अच्छी चीज है वो। तो चलो आप वीडियो को एंजॉय करो। तो भाई लोगों आप जिस चीज का वेट कर रहे थे वो मेरे जस्ट सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यही पहाड़ है, इसी का नाम सिवाड़ है, यहीं पे घुसमेश्वर महादेव का मंदिर है। ये जो मंदिर होगा, जो ये यहाँ का देवालय होगा, यहाँ पे इतने सारे भगवान है, पूरी यहाँ पे देवताओं का वास है। तो आगे से दिखाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी जन्नत में आ चुके हैं, क्योंकि ये जन्नत से कम नहीं है, पूरे देवताओं की यहाँ पे वास है, उनका आपको दिखाऊंगा सीन। तो चलो इसको आगे से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मेला चल रहा है अभी, तो भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा क्राउड है। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सिवाड़ का ये गेट है। यहाँ पे जंगल से एक प्राणी आ चुका है और यहाँ पे मित्र लोग पानी पीते हुए, पानी का आनंद लेते हुए। जिस घड़ी का आपको वेट था वो टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे आप मेरे सामने देख सकते हैं ये पहाड़ पूरा व्हाइट बनाया गया है, ऐसा सिवाड़ का ये जो मंदिर है पूरा मंदिर वाला पहाड़ बनाया गया है। इसके ऊपर किला है जो आप देख सकते हैं जूम करके, इसका गेट यहाँ से है। तो हम पहले एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद में आपको पूरा मंदिर का सीन दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी मेला चल रहा है, मेले के लिए काफी सजावट कर रखी है, तो रंग बिरंगा आप माहौल देख सकते हैं। ये इसका गेट है जहाँ से एंट्री होगी मंदिर में जाने के लिए। तो अभी हम मंदिर प्रांगण में हैं, यहाँ पे आप मेरे पीछे फवारे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे दोस्त हैं और यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो आप मंदिर का ये यहाँ का हॉल देख सकते हैं, ये ऐसा है, ये ट्रस्ट है, यहाँ पे सामान मिल जाते हैं और इधर सिक्योरिटी के काफ़ी अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, पुलिस काफ़ी पुलिस आप मेरे पीछे देख सकते हैं।
तो अब चलते हैं ऊपर, वहाँ पे मंदिर है और मंदिर में दर्शन करने के बाद ऊपर चलेंगे जहाँ पे बर्फ का पहाड़ बना रखा है, जहाँ पे पूरा स्वर्गवास है, जहाँ पे पूरे भगवान जी निवास करते हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं। हमने पहले बाहर पूजा की, बाहर पूजा करने के बाद हम अंदर गए, अंदर हमने 12वें ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हमने उनकी नंदी जी से बातें की और नंदी जी से बातें करने के बाद हम उनकी नगरी में चले गए और नगरी में जाने के बाद हमने काफी धमाल मचाया। तो आप जरूर देखिए धमाल। तो यहाँ के मंदिर की साफ सफाई देख सकते हैं आप, यहाँ पे कितना अच्छा साफ सफाई है और मंदिर आप देख सकते हैं कैसे सोने जैसा चमक रहा है, सोने की प्लेटें लगाई गई है। ये श्री घुश्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है और ये 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है। तो ये मंदिर में 12वां ज्योतिर्लिंग है और यहाँ के बाद में आप पूरा देख सकते हैं इधर का, ये यहाँ पे शिव जी की नंदी है, काफ़ी प्यारी लग रही है। यहाँ पे मान्यता है कि नंदी जी के कान में जो कुछ बोलते हैं वो विश पूरी होती है। तो हम यहाँ पे होप करते हैं कि हम भी, हमारी कुछ मान्यता है जो बोले हैं यहाँ पे जो पूरी हो। बोलिए, अरे दोनों साइड से मत बोलो भाई, नंदी जी कंफ्यूज हो जाएगी। तो किसकी बात सुनो, मेरा नंबर। सोने की चमक की फ्रेंड से दीवारें देखिए, मंदिर काफी अद्भुत है और यहाँ पे राधा कृष्ण जी का आगे भी मंदिर है तो उसमें भी चल के आपको दिखाते हैं आगे का सीन। और यहाँ पे परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग में ये मंदिर के पीछे का सीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े नगाड़े रखे हुए हैं इधर और देखिए काफ़ी विशाल प्राचीर। तो ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। तो फ्रेंड्स ये मंदिर के पीछे एक मंदिर और है, ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है, यहाँ पे दोनों लोग मन्नतें मांगते हुए। उसके बाद में यहाँ पे मंदिर एक इधर भी है। तो इस घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में इतने सारे मंदिर हैं, यहाँ पे पूरे देवी देवता विराजमान है। और अब हम आपको ऊपर चल के पूरे इनकी नगरी दिखाएंगे, पूरे देवताओं की नगरी। तो वहाँ पे ऐसा फील होगा कि कहीं कश्मीर की बर्फ़ गिर रही हो या बर्फ़ का पहाड़ है, वहाँ पे पूरे देवी देवता विराजमान है। तो एक सेक्शन ये है, इधर भी मंदिर है, तो हम भी ये भी आपको दिखाते हैं। तो ये भी राधा जी का कृष्णा जी का मंदिर है, यहाँ पे हनुमान जी है और यहाँ पे एक छोटे जी पंडित जी बैठे हैं, ये टीका लगा रहे हैं सब पे। महादेव की नगरी में अभी हम हैं और यहाँ पे मंदिर ही मंदिर यहाँ पे हमें दिख रहा है। एक मंदिर ये है ऊपर, मंदिर श्री ताड़केश्वर जी का, और यहाँ पे देखिए अद्भुत मंदिर है शिवलिंग जी का, शंकर भगवान जी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे शिवलिंग है इसके अंदर, और एक मंदिर आगे भी है, ये बड़ा वाला शिवलिंग है, और यहाँ पे भी प्रताप ईश्वर जी का मंदिर है। तो अभी हम एक रास्ता है वहां से ऊपर जा रहे हैं, वहां पे आपको महादेव की नगरी दिखेगी, वहां पे पूरा स्वर्ग है, वहां पे महादेव के बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारी चीजें दिखेगी आपको। तो ये जन्नत से कम नहीं है, एकदम वाइट है, आपको ऐसा लगेगा कश्मीर में किसी बर्फ में घूम रहे हैं हम। तो आपको एकदम सीन दिखाता हूँ, चलो सरप्राइज आपके सामने। तो भोलेनाथ की नगरी में हम आ चुके हैं, ये पूरा आपको पहाड़ दिख रहा है, ये कोई बर्फ नहीं है, ये यहाँ पे सब बनाया गया है। तो यहाँ पे शंकर भगवान जी आप देख सकते हैं, इनकी जटाओं में से पानी बह रहा है ये देखिए, और ये पहाड़ ऊपर तक पूरा वाइट है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ यहाँ पे गिरी होगी। और यहाँ पे पूरे देवी देवता विराजमान है, आपको मैं दिखाऊँ, गणेश जी दिख रहे होंगे आपको, हनुमान जी सबसे ऊपर दिख रहे होंगे आपको, देख सकते हैं। तो इसको हम इधर से जाएंगे और पूरा आपको एक एक मंदिर में घुमाते हुए पूरा सीन दिखाएंगे। ऊपर किला भी है, वहाँ भी जाने का सीन है, तो हम जाएंगे। तो अभी उस पर जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करते हैं, जूस वूस पीते हैं। तो अभी ऊपर जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो फ्रेंड ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये महादेव का पूरा कैलाश पर्वत बनाया गया है, ये राजस्थान स्टेट के स्वामी माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
और सवाई माधोपुर में एक ये गांव है, ये सिवाड़, तो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे ये कैलाश पर्वत ऊपर है और ये गांव की पूरी आबादी है, गांव ऐसा बसा हुआ आप देख सकते हैं पूरा। मेरे पीछे आप एक झील देख सकते हैं, वहाँ पे पानी भरा है और अभी मेला चल रहा है तो झूले चक्री वगैरह सब लगे हुए हैं। इसके अलावा पूरा गाँव बसा हुआ है तो आप देख सकते हैं इधर। और यहाँ पे सीन देखने के बाद हम ऊपर चलेंगे और वहाँ पे कैलाश की नगरी में हम आपको पूरे सीन दिखाएंगे। कैलाश जी का जो पर्वत है, यहाँ पे झरने बह रहे हैं, ऊपर से पानी आ रहा है तो आप ऊपर से देख सकते हैं। तो ये कैलाश में काफ़ी झरने बह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी अभी हुई हो। ये इनकी नंदी है, काफ़ी अच्छी बनाई गई है, आप देख सकते हैं ऊपर। यहाँ पे आपको शिव जी अपनी पोजिशन में बैठे हुए हैं, उनके गले में जो उनका सांप है वो है। और यहाँ पे लक्ष्मी जी आप विराजमान हैं कमल के फूल के ऊपर, तो ये सीन भी काफ़ी अच्छा है। ये पूरा गाँव है, सिवाड़ है। और यहाँ से अब फ्रेंड देखिए कितना प्यारा सीन है, ये कृष्ण भगवान है जो सांप के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो आपने महाभारत में कहानी सुनी होगी, तो यहाँ पे उसका एक सीन बना रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा सीन बना रखा है, ऊपर कृष्ण भगवान और राधा जी है, और यहाँ पे पूरे देवी देवताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश की गई है। तो ये जो स्वर्ण नगरी है, जो ये देवताओं की नगरी है, स्वर्ग नगरी, काफ़ी प्यारी लग रही है। ऊपर चलते हैं, आपको और भी अच्छे सीन दिखाएंगे। सबसे ऊपर यहाँ पे हमें हनुमान जी दिख रहे हैं, तो उनके पास भी जाएंगे। चलो चलते हैं ऊपर, झरनों की आवाज़ तो आपको यहाँ पे आ ही रही होगी, आप देख सकते हैं। ये सीन देखिए कितना प्यारा बना रखा है, ऊपर से झरने और जो पानी आ रहा है गौमुख से आ रहा है। तो यहाँ पे कलाकारी इतनी अच्छी की गई है कि जो गौमुख बना रखा है उसी के मुँह से पानी आ रहा है, आप देखिए। यही पानी नीचे जाता है और पूरे जो देवी देवता हैं वहाँ तक होके नीचे तक जाता है। तो ये कृष्ण भगवान जी है सांप के ऊपर। तो यहाँ पे गुफाएं भी बना रखी है, तो गुफाओं में आपको दिखाता हूँ, लॉक कर रखा है, पता नहीं क्या बना रखा है, लेकिन गुफा है। और यहाँ हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, तो हमने आधा पहाड़ पार कर लिया, यहाँ का पूरा नीचे का सीन। ये पूरा सिवाड़ कस्बा ये बसाया गया है, मेला चल रहा है। इसके अलावा गौमुख के ऊपर अभी हम खड़े हैं, यहाँ से गौमुख के मुँह से पानी निकल रहा है। और ये एक और है, पता नहीं कौन है, लेकिन काफ़ी प्यारी मूर्ति है। यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये है शिव जी की गुफा, यहाँ पे वो आराधना करते हैं। तो ये गुफा देखिए ऐसी कितनी मस्त गुफा बना रखी है, यहाँ पे मेरी आवाज़ भी गूंज रही होगी। और ये गुरुदेव है, गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति है, देखिए कितनी प्यारी है। और ये पूरी गुफा है, ऊपर तक देखिए, ये पशु पक्षियों ने पता नहीं क्या क्या कर दिए। ये शिवलिंग जी की गुफा है, यहाँ पे वो आराधना करते थे। तो ये काफ़ी पूरा बनाया गया है डेमो, लेकिन काफ़ी प्यारा है, आप देख सकते हैं। नंदी जी के ऊपर शिवलिंग है, शिवलिंग के पास में उनका सांप है जो लपेटे हुए हैं। शिव जी की गुफा में शिव साधना कर रहे थे, साधना करने के बाद शिव काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए और यहाँ पे तांडव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तांडव काफ़ी तेज गति से हो रहा है। यहाँ से एक गली इधर जाती है, इस गली से ये पूरा सीन दिख जाएगा ऊपर का। तो यहाँ पे एक आती है और ये कान्हा की मूर्ति बना रखी है, कितनी बड़ी विशाल मूर्ति है, काफ़ी अच्छी मूर्ति है। और ये पहाड़ है पूरा जिसको बनाया गया है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है। तो फ्रेंड कृष्ण भगवान की काफ़ी विशाल मूर्ति है, आप देख सकते हैं। इसके अंगूठे की साइज की बात करें तो ये मेरी उंगली है और ये इनका अंगूठा है, तो आप देख सकते हैं कितनी विशाल मूर्ति बना रखी है। कान्हा जी की गोद में हमारा एक फ्रेंड बैठ चुका है, आराधना कर रहा है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है, कैमरे में पूरी आ नहीं रही है। इसके अलावा यहाँ पे द्वारपाल भी है सेफ्टी के लिए, काफ़ी अच्छे बना रखे, काफ़ी प्यारी मूर्तियाँ हैं। और ऊपर हनुमान जी की मूर्ति है, उसके लिए रास्ता इधर से है, तो हम वहाँ भी जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हनुमान जी के, सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पे कोई है तो ये हनुमान जी की मूर्ति है। इससे ऊपर वहाँ पर ओम है, वहाँ तक का रास्ता नहीं है क्योंकि वहाँ पर जंगल टाइप का, वहाँ पर बनाया नहीं है। तो मूर्ति देखिए काफ़ी विशाल का मूर्ति है, और यहाँ पे हनुमान जी की सेना के बंदर भी हैं। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड बंदर से प्यार कर रहा है, उसके गंजे में हाथ लगा रहा है, पप्पिया सप्पिया दे रहा है, बंदर को भी नहीं बख्श रहे कैसे कैसे लोग हैं। हम जा रहे हैं ऊपर ओम के पास, वहाँ पे जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है, इन्हीं ही रास्तों से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे स्लिप होने का मतलब है पेट टूटना, तो फिर भी जाएंगे एक बार देख के आएंगे ऊपर से पूरा सीन। वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, मैं अभी यहीं पर फंसा हुआ हूँ, मैं भी पहुँच रहा हूँ वहाँ पे, जाने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। पहाड़ है, फिसलन है थोड़ी इस पर, और यहाँ पे से गिरूंगा तो पूरा नीचे तक जाऊँगा, देखिए मैं कैसे चल रहा हूँ। ओ पकड़ पकड़ के, और एकदम खड़ी चढ़ान आ चुकी है। तो फ्रेंड देखिए मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ, एक बार आपको पूरा सीन दिखाता हूँ पीछे का, चलिए थोड़ा एडजस्ट हो लूँ।
तो अब देखिए मैं कितनी ऊंचाई पर आ चुका हूँ। वहाँ से हम चले थे पानी के पास से और उसके बाद में यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। फाइनली मैं भी ओम के पास पहुँच चुका हूँ कच्चे रास्तों से होता हुआ। यहाँ पे रास्ता है नहीं। ओम ये देखिए मेरे ऊपर। तो फाइनली ही हम यहाँ पे टॉप पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए कितनी ऊंचाई है। और अभी पीछे का सीन दिखा दूँ आपको। तो पीछे यहाँ पे महल है। महल में जाने का रास्ता अभी पता नहीं है, हम पूछेंगे किधर से है। और ये ओम है, सबसे बड़ा ओम था जो आपको नीचे से दिख रहा था। देखिए पूरे कैमरे के व्यू में नहीं आ रहा। तो अब हम नीचे जाएंगे वापस। ऊपर तक हमने घूम चुके हैं, इतना नीचे जाना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा उसको कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं हम नीचे और वहाँ के आगे सीन दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड ओम तक आने के लिए हम इस कच्चे रास्ते में आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्चा रास्ता है। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही, चढ़ते टाइम चढ़ गए लेकिन उतरने में काफ़ी पसीना आ रहा है। सर्दी का मौसम है फिर भी हम पसीने में भीग चुके हैं, लेकिन उतरेंगे यहाँ से काफ़ी मशक्कत। यू चलो नीचे। अरे कैसे कैसे लोग हैं, बंदर से नौकरी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे उत्पाती लोगों ने बंदर की पूंछ तक तोड़ दी है। आप देख सकते हैं बंदर की टूटी पूंछ यहाँ पे है और एक कील निकल रही पीछे से। बुलाती है मगर जाने का नहीं। कहाँ पे जाना है तुझे? जाता नहीं। तो बंदर से काफी रिक्वेस्ट हो रही नौकरी के लिए, प्रयत्न हो रहे हैं। बंदर के कान में पप्पी दे दो। अरे इधर बढ़िए मुंह। और यहाँ पे रिश्वत की पूरी भरपूर कोशिश हो रही है। अरे क्या कर रहे हो? चुम्मा चुम्मा नहीं। यहाँ पे दो मूर्ति देखिए, एक तरफ यहाँ पे शेर है एक तरफ गाय है और दोनों एक जगह पानी पी रहे हैं। तो ऐसा सीन आपने देखा नहीं होगा। और यहाँ पे दूध भी निकाला जा रहा है, तो दूध वूध पी के आगे बढ़ेंगे। तो देख ली काफ़ी प्यारी मूर्तियाँ बना रखी है, पानी पी रहे एक जगह। कभी ऐसा होता नहीं है जंगल में भी, यहाँ पे ऐसा होता है। तो अब चलते हैं नीचे। तो ये मूर्ति आप देख रहे हैं, ये कार्तिकेय की मूर्ति है। ये मोर पे बैठे हुए हैं और ये मूर्ति काफ़ी अच्छी लग रही है। ये भी टॉप पे बनाई गई है, उन मूर्तियों से नीचे ही है लेकिन काफ़ी प्यारी मूर्ति लग रही है। और रात में यहाँ का माहौल एक नंबर हो जाता है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर लाइटिंग होने वाली है तो आपको लाइटिंग का भी सीन दिखाएंगे। अब चलते हैं नीचे। इधर से होते हुए हम वो जो चूहा जो भोजन कर रहा है, गणेश जी के लड्डू खा रहा है, उनसे बात करेंगे। उनसे बात करने के बाद हम उधर चलेंगे। अरे देखो देखो कौन आया, कौन आया, कौन आया? हाथी आया, हाथी आया। हाथी के नीचे में तपस्या हो रही है, यहाँ पे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। तो बाबा जी आप कितने सालों से तपस्या कर रहे हो? 1100 साल से। 1100 साल? हाथी है मगर जाने को नहीं। बाबा जी किसकी शादी हो रही है? अगर ये हाथी बैठ जाएगा तो क्या होगा आपके साथ? हाथी बैठ जाएगा तो मैं उसके नीचे बैठ जाऊंगा, जमीन में जाओगे। तो देखिए ये हाथी की मूर्ति यहाँ पे। आशीर्वाद लो इन बाबा से। आयुष्मान भव, इनको लिखना नहीं आता लेकिन बोलना जरूर आता है। और कैलाश पर्वत पे हम यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति पास आ चुके हैं। तो ये भी काफी अच्छी मूर्ति यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये यहाँ का सबसे बड़ा शिवलिंग है, सबसे बड़ा। अब तक जो हमने देखे थे शिवलिंग उनमें सबसे बड़ा शिवलिंग यही लगा है। यहाँ पे देखे कितना विशाल बना रखा है इसको। अभी यहाँ पे फंवारे वगैरह नहीं चल रहे, पता नहीं किसी वजह से तैयारियाँ चल रही होगी, लेकिन ये सबसे बड़ा शिवलिंग है यहाँ का, पूरे इस कैलाश पर्वत का जो बनाया गया है। लड़का है ये बोल रहा है कि मैं गणेश जी के लड्डू चोर के खा लेता हूँ। चूहा से बेरी मतलब बहुत भारी पड़ेगी भैया। तो फ्रेंड्स हम फाइनली नीचे आ चुके हैं। जो आपको मूर्ति दिख रही है दुर्गा माता जी की मूर्ति है, ये शेर पे विराजमान है। और अभी शाम हो चुकी है तो यहाँ पे लाइटिंग भी हो चुकी है ऑन। तो आप लाइटिंग के बाद यहाँ का सीन देख सकते हैं, ऊपर तक पूरा लाइट ही लाइट हो चुकी है। और ओम पे भी देखो लोग बाग पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं 3 लोग खड़े हैं ओम पे। ये सबसे ऊंचा था, वहाँ पे जाने का भी कच्चा रास्ता था। तो लाइटिंग के बाद यहाँ का सिवाड़ का सीन पूरा ऐसा दिखता है, पूरा लाइट ही लाइट। और काफ़ी अंधेरा होगा तो ये पहाड़ एकदम पूरा लाइटिंग से जगमगा जाएगा और काफ़ी अच्छा सीन हो जाएगा यहाँ का। तो यहाँ पे यात्रियों के लिए व्यवस्था काफ़ी अच्छी है बैठने के लिए। यहाँ पे गार्डन बनाया गया है और यहाँ पे कुर्सियाँ आप देखिए
सीढ़ी बाय सीढ़ी लगाई गई है ताकि कोई भी परेशान ना हो, ऊपर जो भी आया है वो ऊपर पर्वत देखने के बाद यहाँ पर रेस्ट कर सके आराम। काफ़ी अच्छा गार्डन है। उसके बाद में एक मूर्ति इधर लगा रखी है, ये ओपन में है तो यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा सीन है और पूरे मंदिर में साउंड चलता रहता है, भक्ति में वातावरण पूरा हो जाता है। अभी लाइटिंग हो रही है तो पहाड़ काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप। तो फ्रेंड ये जो सिवाड़ का मंदिर है ये काफ़ी देखने में अच्छा लगा, यहाँ का मंदिर देखने के बाद काफ़ी अच्छा फील हुआ। और हम ऊपर गए थे शिव जी की कैलाश नगरी में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मंदिर थे, बहुत सारे मंदिर थे, तो उनको देख के काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर बना रखे थे और जहाँ अभी हम खड़े हैं ये भी यहाँ का मेन मंदिर है और ऊपर बहुत सारे मंदिर है, तो हमें ये मंदिर अच्छा लगा। अगर आपको भी मंदिर अच्छा लगा हो तो यहाँ की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी चीज़ पसंद आई हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।